नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी का ये खूबसूरत सा कोटी बनाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत है ये, सामने से देखिए ऐसा है और पीछे से ऐसा। बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है ये। 10 से 15 मिनट में आप इसे आसानी से बना लेंगे और अपने कान्हा जी को पहना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और मेरा ये कोटी आपको पसंद पड़े तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कान्हा जी का ये खूबसूरत सा कोटी बनाते हैं। के लिए हमने दो रंग का ये बेबी वूल लिया है और 10 नंबर की सिलाई। तो सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पे 16 फंदे डालेंगे और सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और रॉन्ग साइड में भी हम सभी फंदे उल्टा ही बुनेंगे। तो टोटल हम 3 लाइन उल्टा बुनेंगे, 2 लाइन सामने से और 1 लाइन पीछे से। 3 लाइन हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो 3 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 लाइन उल्टा उल्टा बुना है जिससे 2 उल्टे फंदों की धारी सामने से आ गई है और 1 पीछे से। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और इस धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे। तो सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ हैं और अब हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब सेकेंडरी कलर से हमने 2 लाइन बुन लिया। अब प्राइमरी कलर से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदों को उल्टा और सामने की तरफ से सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। के ये 4 लाइन हम इन्हीं को बार बार दोहराएंगे। तो मैं थोड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 20 लाइन बना दिया। 4, 8, 12, 14 और 3 लाइन ये और 1 ये, 20 लाइन हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए कैसे सीधा बुनेंगे और इसको इस पर चढ़ा देंगे। 1, 2, 3 11 और 12। तो हमने 12 फंदों को बढ़ा लिया। अब सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में आए हैं। तो जिस तरह हमने इधर 12 फंदों को बढ़ाया है, हमें इधर भी बढ़ाना होगा। तो ऐसे उल्टा बुनेंगे, लूप निकाला और इस पे चढ़ा दिया। 1, 2, 3
दो तीन ऐसे उल्टा बुनेंगे। ये लूप निकाला और इसको इस पे हम चढ़ा देंगे। सात आठ और बारह, तो हमने दूसरी साइड भी बारह फंदे बढ़ा लिए। हमने यहाँ से अपना प्राइमरी कलर काट दिया है। अब हम यहाँ पे वापस इसे अटैच करेंगे। और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस समय सिलाई पे 40 फंदे हैं। 16 फंदे थे और 24 फंदे हमने बढ़ा दिए। 12 फंदे इस साइड से और 12 फंदे इस साइड से। अब इन 40 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम अपने इन चार लाइनों को वापस दोहराएंगे। दो लाइन सेकेंडरी कलर से और दो लाइन प्राइमरी कलर से। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लाइन बुना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। आठ धारियाँ सेकेंडरी कलर की हैं और बॉर्डर के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात धारियाँ प्राइमरी कलर से। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और इस सेकेंडरी कलर के धागे का हमें काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे। और प्राइमरी कलर के वुल से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। और सेकेंडरी कलर वाले धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। सभी फंदों को वापस हम उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे देखिए उल्टे फंदे की दूसरी धारी चल रही है। इस लाइन में हम बटन होल बनाएंगे। तो हम 30 फंदों को बुन लेंगे। तो 30 फंदों को बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 30 फंदे उल्टे बुन लिए। चार फंदे हम और बुनेंगे उल्टा। 31 32 33 और 34 34 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ऊन को लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। लास्ट में चार फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर से तीन लाइन बुन लिया। तीसरे लाइन में हमने बटन होल बनाया है। तीन लाइन और हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, यानी पीछे से सभी फंदे उल्टे, सामने से सभी फंदे उल्टे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो तीन लाइन और बुन के मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तीन लाइन कंप्लीट कर लिया। देखिए तीन उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी हैं और तीन उल्टे फंदों की धारियां पीछे से भी हैं, यानी छह लाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे प्राइमरी कलर का सातवां लाइन है। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदों को देखिए ऐसे हम क्लोज करेंगे। अगले फंदे को उल्टा बुना, पीछे फंदे को उठाया, आगे वाले पे चढ़ा दिया। उल्टा बुना, पीछे फंदे को उठाया, आगे वाले पे चढ़ा दिया। तो हम इस लाइन में सभी फंदों को क्लोज कर रहे हैं। तो फंदों को बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब हम इस धागे को खींचेंगे, इसके अंदर से ऐसे गोले को निकाल के काट लेंगे और इस धागे को हम सुई से अंदर की तरफ कर देंगे। अब देखिए ये हमारा इस तरह बनके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे उल्टे की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक दो बार सिल लेंगे। और नॉर्मल सिलाई हम करेंगे। थोड़ी दूर तक हम बस हमें इतना ही सिलना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसे पक्का कर लें। और इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। इसे हम दोनों साइड से सिल देंगे और बटन लगा देंगे। तो देखिए प्यारा सा ये कोटी बनके तैयार है, कान्हा जी का प्यारा सा कोटी। देखिए कितना खूबसूरत है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।